तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त लखनऊ की आप देख रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय के ठीक सामने की तस्वीरें। यहाँ बाहर में कौतूहल बना हुआ है, लगातार लोग ये जानने को उत्सुक कि आखिर अवध किसके हाथों में, यानी उत्तर प्रदेश का सीएम कौन। और अंदर मीटिंग चल रही है, बैठक जारी है। ये बीजेपी दफ्तर के भीतर का ही दृश्य है अजीत, और ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया है ताकि मेरे ख्याल से अब कैपेसिटी खत्म हो गई जी। और ये मैं आपको बताऊं, जो दरवाज़ा बंद किया गया, ठीक सामने लखनऊ की वो सड़क है जो मुख्य मार्ग है, मतलब अगर आप चारबाग उतरते हैं, स्टेशन से उतरते हैं और दूसरे छोर तक आप जाना चाहते हैं तो यही विधानसभा के सामने से ही जो सड़क जा रही है इससे आपको होकर के गुजरना। और ये इसमें कोई ये बाहर उसी का गेट के बाहर, उसी गेट के बाहर ये लोग जमा, इसी गेट के, ये एक 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 नज़ारा है गेट के बाहर का भी और एक नज़ारा है गेट के अंदर का भी। अभी जो ये आप दृश्य देख रहे हैं, गेट के अंदर इतने ज्यादा लोग हो चुके हैं कि अब उस पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है उसकी कैपेसिटी है, तो वहां पर तो स्थिति अब ऐसी हो गई है कि मेरे ख्याल से तिल रखने की जगह है नहीं, या जो सुरक्षाकर्मी हैं वो अपनी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। और बाहर की तरफ आप देखिए मुख्य दरवाजे पे जितनी भीड़ इस समय लग गई है, वो दरवाज़ा बार बार खुल रहा है, बार बार बंद हो रहा है, हालांकि हमें लगता है कि बंद करने का, कुंडा चढ़ाने का ऑर्डर होगा नहीं। अब ये भी आप समझिए कि इसी, मतलब आप जब इससे बढ़ेंगे आगे तो दूसरे छोर पर आगे बाएं हाथ रोड मुड़िए, वहाँ पर भी एक दूसरा गेट है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तरफ इतनी भीड़ है तो उस तरफ दूसरे छोर पर तिल रखने की जगह नहीं होगी। और आज सैटरडे है, वैसे भी जो लखनऊ के लोग हैं उनको गंजिंग बड़ी पसंद है, सामने जनपद की मार्केट है, तो ये आप समझिए कि जो लोग इस समय हज़रतगंज घूमने आए होंगे वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हज़रतगंज में आज गंज का मज़ा ले रहे होंगे या इस सियासी रौनक का अपनी तरह का मज़ा ले रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से वोटों से, जितने वोटों से जीते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसी शहर के लोगों ने वोट किया होगा, तो वो आए होंगे घूमने, जानना चाहते हैं किसके हाथों में जा रहा है उत्तर प्रदेश। और लगे आप, मतलब जिसको कहते हैं ना कि आप आए थे हरे भजन को, रोटन लगे कपास, तो यहाँ पर कहावत भले आप उसको एकदम निगेटिव सेंस में ना लें, तो पॉजिटिव सेंस उसका यह है कि वो आए तो थे कुछ और करने, लेकिन जिस तरीके की स्थिति या गहमा गहमी यहाँ पर है, ये पूरा इलाका मेरे ख्याल से इस समय पैबस्त हो चुका होगा इसी माहौल में। कहाँ कौन कुछ नाम आया क्या, यही एक सवाल होगा इस समय इस पूरे इलाके में। हम लोग लगातार इसीलिए अपडेट दे रहे हैं टीवी पर, उन्हें पल पल की जानकारी मिल रही है, पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है हम ये भी लगातार आपको बता रहे हैं, कब किसका ग्राफ कितना ऊपर गया, कितना नीचे आया, हमारे तमाम संवाददाता अपडेट कर रहे हैं लगातार। लेकिन इन सब के बीच जो आपने कहा कि गंजिंग करने के लिए बहुत सारे लोग आज सैटरडे को आते हैं, तो वो इधर का रुख कर सकते हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, देखिए शेखर की, वो भी तो उसी उत्सुकता में होंगे, तमाम कार्यकर्ता आज जुट गए होंगे वहां पर, विधायकों की एंट्री हुई होगी, ये कार्यकर्ता ही हैं अजीत। और मेरे ख्याल से कुछ इसमें मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि शहर के बहुत कम लोग होंगे, ये बाहर से जो विधायक यहां आए हुए हैं, उनके साथ समर्थक हैं, वो पहुंचे हैं और अपनी अपनी तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जिसका स्टेचर सीएम के लायक नहीं है, जाहिर सी बात है बहुत सब तो सीएम बनेंगे नहीं, वैसे भी एक सीएम के बाद दो डिप्टी सीएम लग गया है, तो अब आप कुछ अल्लाह तारा वैसे ही हो गया ये पूरा हिसाब किताब। अब उसके बाद जो मिनिस्टर्स की लिस्ट है, फिर राज्य मंत्रियों की लिस्ट है, और उसके बाद अपनी अपनी ताकत, चेयरमैन कई आयोगों के बन सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस समय इन समर्थकों के द्वारा शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन एक तरह से देखिए शेखर, कि इससे पहले जो नज़ारा था कि अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे थे, उससे अलग चूंकि अब क्लाइमेक्स पर पहुंचना है, तो अब सभी इसी उत्सुकता में है कि आखिर हमने जो किया उसका परिणाम क्या हुआ। वैसे एक सवाल का जवाब तो आज मिल गया। अनुराग है क्या हमारे साथ, हमारे साथी हमें बताएं, अनुराग है हमारे साथ, हाँ अनुराग, एक सवाल का जवाब तो आज मिल गया कि बीजेपी ने चुनाव से पहले किसी चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में पेश क्यों नहीं किया था, यह आज की स्थिति देख करके समझ में आ गया क्यों। बिल्कुल जी, बिल्कुल शेखर, बीजेपी आला कमान के जो नेता हैं वो इस बात को बखूबी जानते थे कि उत्तर प्रदेश में अगर अपनी प्रचंड बहुमत की सरकार लानी है तो बिना फेस के आगे जाना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मिजाज अलग है, यहाँ पर जो राजनीति है वो अलग अलग गुटों में, धर्म और जाति में बटी हुई है, तो इस वजह से ही बीजेपी ने किसी की सीएम फेस को आगे नहीं बढ़ाया था। और यही वजह थी कि जब टिकट वितरण हुआ और परिवर्तन यात्रा में सब नेताओं का फ्लोर टेस्ट, एक तरह से टेस्ट किया गया, तो जो ज़्यादा भीड़ लेकर आएगा उसको टिकट दिया जाएगा, उसके बाद वहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया, तो
फिर वही बात बात आती है कि सीएम फेस आगे बढ़ाया जाए ना बढ़ाया जाए। तो बीजेपी के जो रणनीतिकार उन्होंने बताया कि पहले आप बहुमत लाइए, उसके बाद सीएम फेस को आगे बढ़ाइए। और बिल्कुल अनुराग हम आते हैं आपके पास, अमिता हमारे साथ राजभवन से जुड़ गई है, जरा हम उनके पास होकर के आते हैं। अमिता, जिस तरीके की स्थिति बनी है, कल गवर्नर साहब कह रहे थे कि देखिए इंतजार का भी अपना मजा होता है, नाम जल्दी ही पता चल जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जितना इंतजार लंबा होता जा रहा है ये मजा सजा में बदलता जा रहा है। शेखर, लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन एक बार राजभवन के सामने की क्या तस्वीर है आपको दिखा देती हूँ। मेरे कैमरामैन है मनोज मिश्रा। थोड़ा सा एक जो राजभवन के सामने अभी आप ज़्यादा गहमा गहमी नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो भीड़ है इस समय वो लोकभवन में जो बैठक चल रही है, जिसमें 325 विधायक, दोनों पर्यवेक्षक और खुद योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं वहाँ पर। बैठक में इस समय ज़्यादा गहमा गहमी है, लेकिन कहा यह जा रहा है, चूँकि राजभवन से जो जानकारी मिली है, 5:30 बजे का समय लिया गया था राजभवन में इस बात के लिए कि जो भी नेता चुना जाएगा वो अपना यहाँ पर दावा पेश करेगा सरकार बनाने का। और चूंकि कल ही शपथ ग्रहण समारोह होना है करीब 2:15 बजे, जिसमें खुद पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होंगे, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही नाम का ऐलान होगा उसके तुरंत बाद जो भी नेता चुना जाएगा वो यहाँ पर आकर सरकार बनाने का दावा आज ही पेश करेगा। चूंकि समय थोड़ा लग रहा है, तकरीबन 6:00 बज चुके हैं, 5:30 बजे का समय राजभवन में लिया गया था, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि 7:00 बजे के पहले पहले जरूर यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि राजभवन की भी जो औपचारिकता होती है समय। अच्छा अमिता, ये बताइए, ये बात आपकी ठीक है, अब ये बताइए कि जब ये लोग आएंगे, मुझे पता है कि राज्यपाल खुद खाने खिलाने के बहुत शौकीन है, मतलब उनका उनका अपना टेस्ट जो है वो अलग है, लेकिन वो खाने खिलाने के बड़े शौकीन है, तो अब ये बताइए कि क्या इंतजाम है अंदर। शेखर, अभी इसकी जानकारी तो सामने नहीं आई है कि क्या इंतज़ाम है, लेकिन जाहिर तौर पर इसके पहले भी हमने देखा है कि खासतौर से राज्यपाल राम नाईक इस बात के काफ़ी शौकीन हैं, और ख़ासतौर से जो लोग बाहर से भी आते हैं उनसे भी वो मुलाकात करते रहे हैं, क्योंकि उस लिहाज से काफ़ी एक्टिव माने जाते हैं वो। राज्यपाल जो आम तौर पर या राजभवन की अपनी गरिमा तो है ही, लेकिन राज्यपाल के तौर पर वो खुद भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं अपने कामकाज को लेकर भी, और लोगों से मिलते जुलते भी रहते हैं। तो अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है ही, लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि तैयारियां राजभवन में भी अपने हिसाब से चल रही हैं, अभी थोड़ी जब जानकारी छनकर आएगी तो हम बिल्कुल ये बात जो कह रहे थे कि ज्यादा इंतजार, इंतजार तो मजा देता है, लेकिन ज्यादा इंतजार कई बार मजा की जगह सजा भी देता है। और ये बड़ी खबर इस बीच छनके आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि यूपी के सीएम का नाम आगे आते ही वाराणसी में योगी समर्थकों में खुशी की लहर है, और सड़क पर उतरकर उनके समर्थक मिठाई बांट रहे हैं, अबीर और गुलाल भी उड़ाया जा रहा है। इससे पहले जो खबरें आई थी उसमें विकिपीडिया में देखिए कि मनोज सिन्हा को सीएम घोषित कर दिया गया था, अब यहां योगी आदित्यनाथ के समर्थक यहां पर मिठाइयां बांट रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं वाराणसी से इस वक्त, रवि पांडे हमारे साथ। रवि, क्या माहौल है इस वक्त वाराणसी में? जी देखिए, काफी इंतजार के बाद जब समाचार चैनलों में समाचार खबरें आई ये कि योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आ रहा है सीएम पद को लेकर, तो जो योगी समर्थक है वो काफी जश्न के माहौल में उतर चुके हैं और सड़कों पे उतर के बकाया ढोल नगाड़ों के साथ केसरिया गुलाल से होली मना रहे हैं, और काफी खुशी उनको, उनका कहना ये कि जो भगवा कलर है, जो केसरिया कलर वो लहराया है देश में पीएम मोदी है, तो प्रदेश में योगी का नाम आने से उनके अंदर काफी जश्न का माहौल है और काफी सड़कों पे उतर के वो काफी खुशियां मना रहे हैं। रवि, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं उसमें कैसे इनके समर्थकों को काबू किया जाए, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। कानून व्यवस्था का सवाल उठाते आए हैं, लेकिन योगी के समर्थक हैं तो ये अब तक विपक्ष में रहते हुए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ चुके हैं कि ये भूल जाएंगे कई बार कि कौन अब जा रहा है और किसका ध्यान रखना है इन्हें। जी देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा चेतावनी है, बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है प्रशासन के लिए कि इन समर्थकों के जो जोश को ठंडा रखकर एक समान स्थिति से लेकर चलना उनके लिए बिल्कुल चेतावनी एक चैलेंज है, और वो उसको काफी जो सुरक्षा है वो अगल बगल उनके चल रही है, पुलिस वाले भी चल रहे हैं, लेकिन जो उनका जो माहौल बना हुआ है बिल्कुल जो काफी इंतजार के बाद। इस वक्त बता दें कि इस खबर पर इंडिया 24/7 जो पहले सबसे पहले ब्रेक किया था हमने कि योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे आगे चल रहा है, तो अब इस पर लगभग मोहर लग गई है और योगी आदित्यनाथ ही यूपी के सीएम होंगे, ये
तय। इस समय बड़ी खबर आपको बता दें जो आ रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, नाम है योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर इस वक्त कि अब उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता। ये बताइए कि ये कंफर्मेशन किस तरीके से हुआ है। तो इस समय की बड़ी खबर योगी आदित्यनाथ बनेंगे यूपी के सीएम। अमिता पारुल हमारे साथ जुड़ी हुई है। अमिता बताइए क्या जानकारी आपके पास। देखिए शेखर इस समय तो मैं राजभवन के सामने हूँ, हमारी एक और टीम लोकभवन में मौजूद है और जिस तरह से ये सूचना आई है कि योगी आदित्यनाथ सीएम होंगे, जाहिर बात है कि एक ऐसे चेहरे की तलाश भारतीय जनता पार्टी को थी जो सर्वमान्य हो और जिसको लेकर किसी भी तरह का किसी जाति या वर्ग विशेष से जुड़ा हुआ ना हो। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा है जो पूरे प्रदेश में एक एक एक, एक तौर पर सर्वमान्य तरीके से सबको किसी जाति विशेष वर्ग से जुड़े हुए नहीं। इसके पहले हमने देखा कि राजनाथ सिंह का नाम भी चला, मनोज सिन्हा भी इस रेस का हिस्सा थे, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के नाम को ये लेकर ये कहा जा रहा था कि सुनील बंसल जो कि संगठन मंत्री हैं उन्होंने भी पैरवी की कई बार और ये एक ऐसा चेहरा है जिस पर पूरे प्रदेश के तरफ से जो मैंडेट मिला है बीजेपी को वो सबको एक तरह से मान्य हो सकता है और शायद यही वजह थी कि नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को चुना।